इंदौर के वार्ड 83 में पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान मतदान का सिलसिला जारी है। सुबह से लोग मतदान केंद्रों पर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोका है। देखिए ये खास रिपोर्ट। वार्ड 83 में हो रहे उपचुनाव के चलते जारी मतदान के दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं दोनों ही पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए एक्टिव अंदाज में दिख रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल के प्रत्याशी यहां दमखम के साथ जुटे हुए हैं, तो वहीं अन्य दल और निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मतदान के बीच भाजपा प्रत्याशी जीतू राठौर और कांग्रेस प्रत्याशी विकास जोशी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकते नजर आए। सर, जनता जनार्दन फैसला करेगी जो भी करना है, और मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि वो विकास को वोट करेंगे। देखिए, कमियां वाला विषय नहीं है, दिक्कत ये है कि पिछले एक साल से माननीय कमल भैया जो पार्षद थे वो बीमार होकर दुखद निधन हो गया था, उस वजह से थोड़ी सी कुछ चीजें हुई है, बाकी उसको काम निरंतर चल रहे हैं। सड़क गुमासा नगर की मेन रोड का कार्य चालू है, तो चल रहा है। देखिए, पार्षद नहीं थे, उस वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया हो, या उसको, क्योंकि पार्षद रहते हैं तो उसे ध्यान देते हैं। मैं सबसे पहले जो ड्रेनेज लाइन है उनको डालने के बाद फिर सड़कों का काम चालू करूँगा। एक्चुअली वार्ड बड़ा है भाई साहब, और पिछड़ा तो नहीं है, मैं पिछड़ा तो नहीं मानता हूँ इसको। यहाँ इतने काम हुए, माननीय कमल भैया ने बहुत सारे काम कराए हैं, और आगे भी उनकी सभी कामों को पूरा करना है हमें। देखिए सर, क्या है, साल भर हो गया है, थोड़ा सा कुछ कामों में दिक्कत आई होगी, इस वजह से प्रॉब्लम चल रही होगी, तो बाकी तो सब काम सुचारू रूप से चालू है। उनके न होने के बावजूद भी सब पानी वितरण हो या कुछ भी चीज़ें हों, सब सुचारू रूप से चल रही थी। एक्चुअल में L&T ने कुछ लाइनें जो डाली हैं, नई लाइनें डाली थी, वो कुछ लाइनें जुड़ नहीं पाई है, वो मेरी बात हुई है अधिकारियों से, तो वो लाइनें जोड़ने का काम चालू हो रहा है। L&T का टेंडर खत्म हो गया था, इस वजह से थोड़ा काम रुका था। जनता मेरे साथ है, उनका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिल रहा है। और देखिए, ऐसा है कि ये वार्ड जो था सामान्य प्रत्याशी का था, और कांग्रेस पार्टी ने मुझे सामान्य प्रत्याशी के रूप में उतारा है। ठीक है, भाजपा के बात भी सामान्य प्रत्याशी थे, उन्होंने, उनका अंदरूनी मामला है कि उन्होंने OBC के रूप में अपना प्रत्याशी उतारा है, ये उनका अंदरूनी मामला है। OBC मेरे लिए सम्माननीय है और सभी लोग सम्माननीय। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्षेत्र का विकास, तो मैं बार बार ये कह रहा हूं कि यहां पर अनियोजित विकास और सुनियोजित भ्रष्टाचार, जो शुरू से यहां पर भाजपा का जो इतिहास रहा है वो यही रहा है। यहां पर लोगों ने, यहां पर क्या है, सड़कें बन जाती है, फिर सड़कें खोदी इत्यादि, फिर पता चलता है कि ड्रेनेज लाइन भूल गए, वाटर लाइन भूल गए, है ना, केबल लाइन डालना भूल गए, कभी कभी तो ये मालूम पड़ता है कि जो ड्रेनेज लाइन वो डाल दी उल्टी। तो ये सब क्या है, ये टोटल की अनियोजित विकास और सुनियोजित भ्रष्टाचार जो साफ तौर से स्पष्ट नजर आ रहा है। और इसमें कोई, यहाँ की हर जनता, मतदाता के पास आप जाएंगे, वो मतदाता के सामने समस्या यही आ रही है, नर्मदा का जल प्रदाय नहीं पहुंच पा रहा है, पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है उनको। दूसरा, उनके घर से जैसे ही बाहर निकलोगे आप, तो आपको गड्ढे दिखेंगे, गड्ढों में पानी दिखेगा, तो ये बहुत सारी समस्या इस क्षेत्र के विकास में। हाँ, अभी तो कम है लग रही है, क्योंकि इतनी पब्लिक या जनता दिख नहीं रही है वोटिंग के लिए, हो सकता है कि अभी इसके बाद में दिखे थोड़ी सी रुचि।
वो सुबह सुबह फिर काम में लग जाते तो फिर वोटिंग रह ही जाता है, इसलिए सुबह सुबह पहले वोटिंग का काम कर दो तो अपन अपने काम में लगे रहेंगे। करना है ना, पर अभी सुबह सुबह महिलाओं को कितना काम रहता, बच्चे भी स्कूल जाना, आज तो गवर्नमेंट की छुट्टी भी नहीं है, छुट्टी रहती है तो सब पहले कर देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के वार्ड 83 में पार्षद पद के लिए हो रहे उपचुनाव के दौरान मतदान का सिलसिला जारी है। सुबह से लोग मतदान केंद्रों पर अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंच रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपनी अपनी जीत का दावा ठोका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।